देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाले दो चोर गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 125 ग्राम सोना, 90,000 रुपए नगद, कैमरा, एक दूरबीन, एक घड़ी, सिल्वर मोबाइल, 3 हाथ घड़ी, 175 सिक्के भिन्न देशों के, घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल व 2 तमंचे, 315 बोर, मैं 4 कारतूस, 315 बोर बरामद। दिनांक 11 अगस्त 2022 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा दो अभियुक्त गण राजू मंडल उर्फ रॉकी पुत्र रुद्रदेव मंडल निवासी C-134 सेक्टर 100 नोएडा, दूसरा सचिन पुत्र मनोज कुमार कश्यप निवासी C-53 सेक्टर 100 नोएडा को मदर डेयरी सेक्टर 99 के सामने पार्क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण से गहन पूछताछ होने पर बताया कि हम लोग मोटरसाइकिल से सेक्टरों में रैकी करते हैं। सेक्टरों 46 दिनांक 9 मई 2022 को कोठी मकान का बंद ताला लगा मिला था, जिसके ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात, कैमरा व अन्य सामान को चोरी करके ले गए थे। अभियुक्त गण द्वारा सेक्टरों में बंद पड़े मकानों की रैकी की जाती है और रैकी कर ताला तोड़कर गृह भेदन कर मकान में उपलब्ध सोने चांदी के जेवरात व सामान को चोरी कर ले जाते हैं। नोएडा से ब्यूरो चीफ अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया है, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? ये दिनांक 9 मई को सेक्टर 46 में ये चोरी हुई थी, दोपहर की ही चोरी थी और बड़ी इम्पोर्टेंट चोरी थी क्योंकि इसमें काफ़ी दबाव भी था और काफ़ी अधिक सामान भी गया था। इस पर हमारी टीम लगी हुई थी, मैं खासतौर पर अपनी सर्विलांस टीम के जो फिरोज हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी बड़ी मेहनत से हमें टेक्निकल सर्विलांस से कुछ मदद मिली और इन लोगों को ट्रैक किया गया। इसके बाद कल रात में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 125 ग्राम सोना, 90,000 रुपये जो चोरी किए गए थे, 4 कैमरे, घड़ी और डॉलर टाइप की विदेशी मुद्राएं, 125 सिक्के, जितना भी सामान गया था हमारी 100% बरामदगी हुई है। दोनों गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति का नाम इसमें राजू मंडल है, दूसरे का सचिन। राजू मंडल पश्चिम बंगाल का मूलतः रहने वाला है लेकिन इस समय वर्तमान में नोएडा में सेक्टर 100 में रह रहा है। सचिन इसका साथी है, ये हरदोई का रहने वाला है और ये भी सेक्टर 100 में ही रह रहा है। इनके पास से एक चोरी की बाइक और एक तमंचा भी बरामद हुआ। सर, अपराध का तरीका क्या है? इनका अपराध का तरीका पूछने पर ये बताया कि ये सब निकलते थे, कोई भी खाली घर देखते थे तो उसमें कूद जाते थे और 15-20 मिनट के अंदर जितना सामान मिलता था वो लेके चले जाते थे। गिरफ्तारी का थोड़ा सीक्वेंस बता। गिरफ्तारी में हमारी टीम को सूचना मिली थी कि इस समय यहाँ पे हैं और यहीं रहते हैं, उन पर हम टेक्निकल सर्विलांस से लगे हुए थे और कल इनको ये इनको गिरफ्तार किया गया और सचिन के पास ही घर पे ही सारा सामान रखा था। इन्होंने अभी बेचे नहीं थे, डर के मारे कहीं पकड़ ना जाए, उसके घर से सारा सामान बरामद किया। और भी साथी हैं? हाँ, ये चोरियाँ कर चुके हैं। राजू मंडल के खिलाफ 8 अभियोग और सचिन के खिलाफ 3 अभियोग हैं। अन्य जनपदों से और दिल्ली से भी इसकी जानकारी की जा रही है, कहीं इनके और अभियोग वहाँ। सर, इनके 2 लोगों के अलावा और भी क्या साथी हो सकते हैं? नहीं, अभी तक तो इनके 2 ही साथी मालूम चला है। पूर्व चोरियों में 1-2 लोग और गए थे लेकिन ये दोनों से मैंने भी पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस समय सिर्फ ये 2 लोग ही मिलकर काम करते हैं। गैंग का कोई नाम नहीं? नहीं, गैंग का कोई नाम नहीं है, चोर हैं केवल। दूरबीन चोरी की है या ये रखते थे अपने पास? सॉरी, समझा नहीं। दूरबीन जो है चोरी का क्या काम? ये सारी चीज़ें चोरी की हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें जो भी इनको वहाँ से मिला है सब ये ले आए हैं और सारा सामान इन्होंने इस डर के मारे नहीं बेचा कि बेचने भी जाएंगे तो पकड़ जाएंगे। ठीक है सर।